आधारित होता है तो उलमाए रब्बानी की इनसे इनका गहरा ताल्लुक कायम हो जाता है अपने आदर्श को बनने और बिगड़ने का अधिकार अल्हम्दुलिल्लाह। यूपी से भी लोग आए हैं और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान से भी तकरीबन सब दूर दूर से आए हैं और हरियाणा तो पूरा ही है और पंजाब वगैरह से भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तादाद होगी यहाँ? तकरीबन आज की तादाद आप ये समझो कि 1.5 लाख के करीब पहुँच चुकी है। देखिए जलसे में आने वाले जो लोग हैं अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उसको लेकर के मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। तो ये बताइए कि क्या क्या दे रहे हैं आप लोग, जो इजतमा में लोग आ रहे हैं उनकी खिदमत में क्या है? चाय फ्री है जी, फ्री है जी। हाँ, 10 की 2 बोतल है। मेवात इलाके के नूह के यासीन मेव डिग्री कॉलेज में तबलीगी जलसा चालू है और यहाँ पर मेवात सहित दूर दराज से इलाके के लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं इस जलसे में भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं जलसे में आने वाले लोग हैं उनकी खिदमत के लिए यहाँ पे पानी की सुविधाएं हैं, फ्री चाय की सुविधा है। इजतिमा ईदगाह नूह शाहपुर नंगली की तरफ से लगाया गया है जिसमें फ्री चाय और पानी 5 रुपये पर बोतल के हिसाब से दिया जा रहा है। यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी ली हुई है कि किसी को कप पकड़ाना है तो किसी को चाय कप में दे डालकर देनी है। इसके अलावा ये खिदमत का काम लगातार गांव के लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। जी क्या नाम है? जमशेद जी। जमशेद कौन सा गाँव है? शाहपुर नंगली। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या दे रहे हैं आप लोग, जो इजतमा में लोग आ रहे हैं उनकी खिदमत में क्या है? चाय फ्री है जी, फ्री है जी। हाँ, 10 की 2 बोतल है ये दिया जा रहा है यहाँ पे। मतलब 5 रुपए की 1 बोतल? 5 रुपए की 1 बोतल। अच्छा कब से लगाया हुआ है ये? कल से लगाया हुआ जी। कल से लगाया हुआ है? हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि अब तक मतलब कितने लोगों ने आपके पास चाय पी है, कितने लोगों ने बोतल ली है, कोई अंदाजा है, कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं है जी, सवाब का काम है ये तो चलता ही रहेगा जब तक जलसा रहेगा। अच्छा एक चीज और बताइए कि यहाँ पर जो ये शाहपुर नंगली है जी, ये आप लोगों ने लगवाया है, ये सरपंच की तरफ से लगवाया गया है कि आम आदमियों की तरफ से लगवाया गया है? आम आदमियों की तरफ से लगवाया गया जी। मतलब सरपंच की तरफ से कोई सहयोग नहीं है? कोई सहयोग नहीं है। चलिए ये हमारे साथ शाहपुर नंगली गांव के लोग थे। जी बाबा क्या नाम है? हाजी लियाकत अली। हाजी लियाकत। अच्छा ये बताइए कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, कब तक ये चलता रहेगा? ये 13 तारीख तक 12 बजे 1 बजे तक चलेगा। अच्छा तो आप लोगों ने पहले ही यहाँ पे प्लानिंग की हुई थी कि भाई इज्तिमा होगा तो हम लोग खिदमत करेंगे? जी हाँ, पहले से ही प्लानिंग थी। अच्छा कितने लोग मिलकर कर रहे हैं आप लोग खिदमत? यहाँ 8-10 लोग हैं। गांव के लोग? गांव के लोग हैं। परिवार के हैं? गांव के नहीं, गांव से हैं। गांव से? पूरे गांव के लोग मिल करके। क्या नाम बताया? लियाकत अली। लियाकत अली। देखिए लियाकत जमशेद से हम लोगों ने बातें की, एक नौजवान साथी है जो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है और लगातार जो लोग इस जलसे के भागीदारी बन रहे हैं उनकी खिदमत यहां पर की जा रही है। इसके अलावा और क्या कुछ खास है इस तबलीगी जलसे में, आइए आपको भ्रमण कराते हैं। मेवात इलाके में बड़े पैमाने पर तबलीगी जो जलसा हो रहा है 11, 12 और 13 फरवरी को, उसमें दूर दराज से मुस्लिम समाज के लोग आ रहे हैं। वहीं अलग अलग हट बनाए हुए हैं, चाहे मैं कहूँ पीछे एक बार दिखाए कैमरामैन में कि सामने का जो हट लगा हुआ है वो है हल्का टपुकड़ा मेवात, हल्का नंबर 9 ताउड़ू, हल्का नंबर 8 टपुकड़ा होटल मेवात। तो इस तरीके से अलग अलग हट लगाई हुई हैं, जो कहीं से किसी भी गांव से लोग आते हैं तो अपने हट में आकर के रुकते हैं, अपने लोगों के बीच में ठहरते हैं और उसके बाद शाम होता है तो शाम होने के बाद में यहां पर लोग विश्राम भी करते हैं। बड़ी बात यह है कि जो लोग मेवात इलाके के बाद बाहर से आ रहे हैं उनकी खिदमत के लिए मेवात इलाके के अलग अलग गाँव के लोग तैयार की जाती है, पूरी टीम बनाई जाती है कि बाहर के लोगों की खिदमत कैसे की जाए। हमारे साथ इलाके के कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार तबलीगी जलसा में जो खिदमत का सिलसिला है वो किस तरीके से चल रहा है। जी क्या नाम है?
मोहम्मद शरीफ कौन से गांव से हैं? जुरहड़ा से। अच्छा ये बताइए कि तबलीगी जलसा जब से शुरू हुआ है कितने बजे आए आप यहां पर आए, कब आए? हम तो अभी आ रहे हैं। अभी आए हैं, तो ये बताइए कि अच्छा क्या क्या सुविधाएं हैं आपने देखी होगी जलसे में? सब बढ़िया सुविधा है। बढ़िया, ठहरने का सिस्टम अलग है, खाने पीने का अरेंजमेंट अलग है। बिल्कुल। तो क्या कुछ दुआ करने वाले हैं आप मेवात सहित पूरे देश भर में? मैं कह रहा हूँ क्या कुछ दुआएं करने वाले हैं आप लोग? हाँ दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, अमनो अमान की दुआएं करेंगे। जी परसों होगी दुआ, तो परसों दुआ होगी। हाँ। तो सिलसिला तो आज से जारी हो गया ना? ना मैं दुआ, मैं दुआ परसों होगी सब। अच्छा, पूरे मजमे के जब हजरत जी आएंगे तब दुआ? हाँ, हजरत जी करवाएंगे। वो सबके लिए दुआ करता है। हाँ। और परसों होगी जो है फाइनल दुआ होगी जी। हाँ। अभी तो बयान चल रहे हैं, अभी दुआ नहीं हो रही है जी, दुआ तो मुकम्मल परसों होगी। कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं? यहाँ तो हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं जी, दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान गुजरात तक की, बिहार बंगाल सब बहुत दूर दूर से दुनिया आ रही है जी। ये नहीं है घर का मकान जो अपना आपने बना ले, तो पूरी दुनिया के निजाम है, पूरी दुनिया एक हजरत के ऊपर, सारी संसार इसके ऊपर झूम रही है जी। जो ये करता है इसका कहना ये बढ़िया बात, ये तो है नहीं कोई राजनीतिक बतलाता, ये सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रजा के लिए बात कहते, फायदे की बातें बताते हैं। फायदे जी, क्या नाम है? मेरा नाम सरफुद्दीन। सरफुद्दीन कहाँ से आए आप? रोज का मैं धीरदुका से। रोज का मैं हो? धीरदुका। धीरदुका से। अच्छा ये बताइए क्या क्या सुविधाएं हैं जलसे में? यहाँ सब सुविधा है, खाने की, रहने की, सोने की सब सुविधा है। और यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं, और उसी की दुआ करते हैं कि हम सब में भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम सब में भाईचारा बना रहे, और सबके मालिक खैर से रखे, और सबके लिए दुआ की जाती है। और इसमें सब भाई प्यार मोहब्बत से बहुत अमन चैन से रहते हैं, ना किसी पुलिस की जरूरत पड़ती है, ना किसी फौज की जरूरत पड़ती है। यहाँ आप लोग देख रहे हो कितने तादाद में लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ सब सुकून से रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई सिस्टम नहीं है, और अमन चैन की दुआ करते हैं लोग। चलिए मोहब्बत का पैगाम लेकर के हजरत जी आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सभी जगह ये पैगाम जाने वाला है। आप देखेंगे जहां पर भी आपकी जितनी भी नज़र जाएगी तो आप देखेंगे कि लोगों का हुजूम लगातार यहां पर उमड़ता जा रहा है, और इनकी सारी सुविधा यहां पर देखेंगे। पिनंगवा का जो हल्का है, हल्का पिनंगवा का हट यहां पर लगाया हुआ है, तो यहां पर खिदमत के लिए। अच्छा कारी साहब सलाम अलैकुम, ठीक हो? कितने लोग हैं यहाँ पर? माशाल्लाह यहाँ तकरीबन जो हल्के के जो खाने के नज़म के बनाने वाले करने वाले तकरीबन 50-60 तो वो फिलहाल वो हैं जी, जो जो इसके नज़म को संभालने वाले जी, यानी टेंट और खाने वगैरह लगाने वाले हैं जो जी। हाँ, और उसके अलावा तो पूरे इलाका आ जाए है। हाँ। सभी हाजिर हुए हैं अलहमदुलिल्लाह। अच्छा कितनी दूर दराज से लोग आए हैं कि आपको कुछ आइडिया हो, कुछ अंदाजा हो, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ? अलहमदुलिल्लाह यूपी से भी लोग आए हैं, और यहाँ अलहमदुलिल्लाह राजस्थान से भी तकरीबन सभी दूर दूर से आए हैं, और हरियाणा तो पूरा ही है, और पंजाब वगैरह से भी आए हैं अलहमदुलिल्लाह। कितनी तादाद होगी यहाँ? तकरीबन आज की तादाद आप ये समझो कि 1.5 लाख के करीब पहुँच चुकी है कम उबेश, आगे कल बढ़ने वाली और ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार था ना उस दिन का जिस दिन हजरत जी आने वाले हैं, या फिर जिस दिन क्या बोलते हैं जलसे की शुरुआत होने वाली थी? जी हाँ, ये तकरीबन 3 साल तक जो लोगों को एक पिसाए को पानी नहीं मिला था, जो दीन के तालिब थे उनको तकरीबन 3-4 साल से इंतज़ार था, बड़े लोग तालिब थे कि हम अल्लाह वाले की ज्यारत करें, चूंकि इनकी बरकत और असरात से ज़मीन पर अमन है, राहत है, सुकून है, और कायनात में भी सुकून है, ऐसे अल्लाह वाले नहीं रहेंगे तो फिर ज़मीन पर बेचैनी और परेशानी और हवाओं में भी बदमनी हो जाएगी पैदा, इसलिए लोगों को बड़ा इंतज़ार था, और कल से ही लोग आने शुरू हो गए हैं। जो लोग अभी पीछे खिंचे हुए हैं उनको मत क्या संदेश है, क्या पैगाम है आप लोगों का? वो जो पीछे खिंचे हुए हैं वो अपनी कुछ ज़रूरियात की वजह से जमात में जाना है 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए, वो उसकी वजह से अपनी तैयारियां कर कर के इंशाल्लाह आज शाम तक आ जाएंगे, और कल तो सब ही आ ही जाएंगे। हजरत जी आ गए? हजरत जी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, आज आ गए हैं। अच्छा। और हजरत के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश थी कि हजरत आके जुमा पढ़ाएं, लेकिन हजरत वहाँ जुमा पढ़ाने की वजह से नहीं आ सके थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हजरत आ चुके हैं। चलिए ये हमारे कारी साहब थे
तबलीगी जलसा में क्या कुछ खास है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा क्या कुछ सहूलियत इस जलसे में रखी गई है, किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खिदमत का जो काम है उसको अंजाम दे रहे हैं। सारे लोग चाहते हैं कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत का काम लिया जाए। ऐसे में छोटे से बच्चों से लेकर के नौजवानों और बुजुर्गों के बीच में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है कि हजरत जी मेवात की पवन धरता जो धरती है उस पर पधारे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग ही मेवात इलाके के लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। खैर, और क्या कुछ खास रहेगा इस तबलीगी जलसे में वो हम आपको दिखाते रहेंगे। वहीं तबलीगी जलसे में आने वाले जो लोग हैं अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उसको लेकर के मेडिकल कैंप लगाए गए हैं फ्री में, जो कहीं ना कहीं जब तबीयत खराब होगी, सेहत डाउन होगी, तो उनको दवाइयां दी जा सकती हैं। मेरे सामने गामा हॉस्पिटल है, जयपुर क्लिनिक है, इसके अलावा आजम अस्पताल, इन्होंने लिखा हुआ है फ्री स्वास्थ्य कैंप, वहीं फ्री मेडिकल कैंप, इस तरीके के कैंप जगह जगह लगाए गए हैं। एक बार देखेंगे, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं कि जो कैंप लगाए जा रहे हैं उन कैंपों में सुविधाएं क्या कुछ हैं। एक मिनट के लिए बैठ जाइए। ये यहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम है, दवाइयाँ यहाँ पर है कि अगर यहाँ पे अगर किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो आसानी से आकर के यहाँ पर दवाई ले सकता है। यहाँ पे डॉक्टर कौन है, एक मिनट के लिए आइए, इधर आइए। क्या नाम है जी? जाहिद। फार्मासिस्ट जाहिद। जाहिद, फार्मासिस्ट जाहिद। कौन से हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया है? ये गामा हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया है। अच्छा, क्या क्या मतलब यहाँ की यहाँ पे दवाइयाँ दे रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियों के दे रहे हैं, क्या है जी? सभी बीमारियों की, जो नॉर्मली बीमारियाँ हैं या कोई बड़ी बीमारियाँ हैं, तो उनके लिए हमने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस की सर्विस यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की नॉर्मल जो बीमारीज हैं, जैसे चलने फिरने से, बैठने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई या जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, इन सारी जो बीमारियों की दवाई हम यहाँ दे रहे हैं। इमरजेंसी के लिए हमने 2 बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर सब हमने लगाए हुए हैं। इसके अलावा कोई बड़ी इमरजेंसी आती है उसके लिए हमने अपनी एम्बुलेंस यहाँ खड़ी की हुई है। हमारा हॉस्पिटल 5 मिनट की दूरी पर, तो हम हॉस्पिटल से फुल बैकअप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि दवाइयाँ देने के कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं कि फ्री में सारा कुछ? नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं दवाइयाँ यहाँ पे, जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं सारी फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है किसी भी तरह का। अच्छा, ये कैंप कब से कब तक यहाँ रहेगा? कैंप 11, 12, 13 जलसे के टाइम तीनों दिन रहेगा। 24/7 हम यहाँ सर्विसेज देंगे। हमारे 2 ड्यूटी डॉक्टर्स 24 घंटे यहाँ मौजूद रहेंगे, और जो हमारे स्टाफ हैं 4 से 5 स्टाफ हमारे यहाँ अलग रहेंगे, फार्मेसी से अलग स्टाफ हमारे 2 यहाँ मौजूद रहेंगे, लैब से भी हमारे 2 स्टाफ यहाँ मौजूद रहेंगे। चलिए, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की टीम लगातार गामा हॉस्पिटल की तरफ से यानी जो तबलीगी जलसा है उसमें लोगों की सुविधाओं को देखते हुए ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। इधर देखिए सामने, यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरा में दिखाएं कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ बीपी चेक कराए, यानी कि लुटा करके बीपी चेक कराया जाता है, यहाँ पट्टी करवाए, क्योंकि सभी जगह ये यहाँ पे बैनर लगा करके, होर्डिंग्स लगा करके दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप आसानी से आकर के अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं, इसके अलावा आप दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके अलावा पूरी टीम यहाँ पर, मैं कहूँगा कैमरा में एक बार दिखाएं कि पूरी टीम लगातार बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ पर लगी हुई है। अगर आप तबलीगी जलसे में आए हुए हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप आसानी से, इतने सारे कैंप मेडिकल के लगाए गए हैं, यहाँ पर आकर के आप अपना इलाज करवा सकते हैं।